हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल स्वागत करता हूँ हेल्पफुल चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने आप जो स्क्रू ड्राइवर आपने देखा होगा उसमें ये होता है फ्रेंड्स, जब भी कोई मोटर्स को आप स्टार्ट करते हो तो उसमें राइट साइड में भी ग्लो करता है और ये लेफ्ट साइड में भी मतलब रन करता है। तो अगर हम घर पे ही बनाना चाहेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर छोटा सा स्विच लेना पड़ता है जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक बड़े स्विच का अगर हम यूज करें तो आप उसे बना सकते हो। आप भी इसे बना करके आप फायदे उठा सकते हो, मतलब घर पे ही एक ऐसा जुगाड़ बना सकते हो जिससे कोई भी नॉर्मल मोटर अगर आपके पास है तो उसे लेफ्ट साइड या राइट साइड में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिलता है तो मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैं सबसे पहले टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ स्लो मोशन में और हाई मोशन में। देख सकते हो दोनों साइड में अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसमें स्विच को सिर्फ चेंज किया था। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि इसे मैंने एक सिंपली ड्रिल मशीन और एक ड्रिल चक बनाया था जो कि काफ़ी अच्छी तरह से ये वर्क कर रहा था। अगर आपको इसे बनाना है तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को आप देख सकते हो, और इस वीडियो पर मैं आपको सिंपली इसे स्क्रू ड्राइवर में जिस तरीके से ये वर्क किया जाता है सेम उसी तरीके से मैं आपको इस वाले मोटर में करके दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए ड्रिल मशीन का बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है या ड्रिल मशीन आप बनाना चाहते हो तो उसमें डीसी चक जो इसका जो होता है ड्रिल चक वो आप नहीं बना सकते, क्योंकि मान लीजिए अगर आप होममेड में बनाना चाहते हो तो होममेड के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं जैसे बात करता हूँ डायरेक्ट स्क्रू ड्राइवर की, तो स्क्रू ड्राइवर का कनेक्शन ही कुछ अलग तरीके से होता है क्योंकि उसमें मोटर राइट साइड में भी रन करती है और लेफ्ट साइड में भी रन करती है, तो इसका कनेक्शन कुछ अलग रहता है। जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बना करके दिखा रहा हूँ जो कि सिंगल स्विच का है। मतलब आपको पता ही है, अगर आपको कुछ भी अगर नॉलेज है इलेक्ट्रॉनिक में तो आपको पता ही होगा, जैसे कि मान लीजिए स्क्रू ड्राइवर आप बना रहे हो तो उसमें आपको डबल बैंड स्विच का यूज करना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप सिंगल स्विच यूज करते हो तो सिंगल स्विच का आखिर काम क्या होता है? सिंगल स्विच का तो वैसे भी आपको काम पता ही होता है, लेकिन मान लीजिए जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा सिंगल स्विच से बनाया जा सकता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैं छोटा सा एक डायग्राम बना ले रहा हूँ जो कि नॉर्मल मोटर का है। देखिए नॉर्मल मोटर में क्या होता है, कुछ इस तरीके से इसमें वायर्स रहते हैं जो कि मान लीजिए एक वायर आप डायरेक्ट ले जाते हो डायरेक्ट स्विच में, जो कि मैं इसे पॉजिटिव मान लेता हूँ, बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट कुछ इस तरीके से, और इसका जो ऊपर का जो पॉइंट होता है वो हमारा हो जाता है डीसी प्लस, मतलब हम इसमें बैटरी के वायर्स को कनेक्ट कर देते हैं और ये मोटर स्टार्ट हो जाता है। नेगेटिव पॉइंट हम डायरेक्ट मोटर में लगा देते हैं जो कि डीसी माइनस है। तो कुछ इस तरीके से आप नॉर्मल मोटर में भी कनेक्शन करोगे तो सिर्फ ये मोटर सिंगल साइड में भी रन करेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड में ये रन करेगा, एक ही साइड में ये घूमेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि आप सिंपली स्क्रू ड्राइवर का जो प्रेस बटन होता है उसे आप खरीद सको, काफ़ी लोगों के पास मिल जाता है तो वो लोग क्या करते हैं डायरेक्ट वो बना लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो क्या करेंगे, उन्हें बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास है डबल बैंड स्विच जो कि 8 पिन्स का है, मतलब इसमें आप 4 सामानों को एक साथ में चला सकते हो, मतलब दो स्विच एक साथ मतलब इसमें मिल जाते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ वायर्स भी लेने पड़ते हैं, लेकिन कनेक्शन से पहले आपको यहाँ पर एक डायग्राम्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप डायग्राम को छोड़ते हो तो आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आने वाला है और आप लोग से मिस्टेक से आपकी जो बैटरी है वो भी ब्लास्ट कर सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा था स्विच में 8 पिन दिए गए थे, सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ 8 पिन यहाँ पर भी बना दिया है। अब जो मोटर की वायर है तो मोटर की जो वायर रहेगी उसमें मैं M लिखूंगा, जो बाकी जो नॉर्मल जो क्या बोलते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई स्विच है या वायर आप ले रहे हो तो वायर के लिए W मैं यूज करूंगा, और DC के लिए मतलब बैटरी के लिए मैं यहाँ पर D का यूज करने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर जैसे कि 4 पिन एक साइड है और दूसरे साइड में भी 4 पिन है। तो सबसे पहले M मोटर की बात करें तो मोटर का वायर हमें कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, मतलब ये वाली हमारी प्लस रहेगी, जैसे देख सकते हो ये वाली हमारी मोटर की प्लस है, सेम उसी तरीके से उसके जो नीचे में है वो हमारी रहेगी मोटर की नेगेटिव M, इसीलिए मैं M प्लस और M माइनस कर दे रहा हूँ आप लोग को समझने के लिए। अब जो हमारा ऊपर का बचता है वो हमारा रहेगा बैटरी का D प्लस, मतलब DC प्लस हमें लगाना है और यहाँ पर DC माइनस यानी कि D माइनस का बैटरी का वायर। तो अब आप लोग सोचोगे कि इसे भी तो हमने करने पर सिर्फ सिंगल
स्विच कीजिए, सही है, ये काम करेगा। लेकिन यहाँ पर सेम इसी तरीके से हमें इस साइड में भी करना होता है। ये हमारा डी प्लस है, तो मैं इसे भी डी प्लस कर दूंगा। डी प्लस यानी कि बैटरी का प्लस, एम प्लस यानी कि मोटर का प्लस। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा डीसी प्लस और डीसी माइनस हो गया। आप लोग बोलोगे इसे भी मैंने सेम उतार दिया, लेकिन जो आपका मोटर का वायर है वो आपको डिफरेंस लगाना है, मतलब एम माइनस ऊपर होना चाहिए, एम प्लस नीचे होना चाहिए। इस साइड में एम प्लस ऊपर है और एम माइनस नीचे। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका डायग्राम का फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको इसे डायग्राम के द्वारा तो बता दिया है। अब आपको कनेक्शन करना पड़ेगा डायरेक्ट प्रैक्टिकल को देख के, मतलब यहाँ से अगर आप समझ गए तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, जैसे कि आपने ले लिया होगा। अगर आपके माइंड में अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो देखिए जिस तरीके से ये स्विच था उसी तरीके से हम यहाँ पर चार वायर सबसे पहले इसमें हम कनेक्ट करने वाले हैं। चार वायर कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो जो हमारा सिंगल साइड का जो पिन है उसके ऊपर में हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ इस तरीके से देख सकते हो, जैसे कि ये हमारा तीसरा वाला वायर है। सेम उसी तरीके से हम चौथा वाला वायर भी इसमें कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आपको इसके आगे का कनेक्शन समझाता हूँ और आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर लिए, वहीं पर मैं सर्किट डायग्राम आपको हमेशा दे देता हूँ। तो देखिए सिंगल स्विच का जिस तरीके से वायर था, ये हमारा बैटरी का वायर है, तो बैटरी के वायर पर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव वायर को कनेक्ट कर दिया है, जो कि सिंगल एक साइड का देख सकते हो आप। जो ये वाली वायर है देख सकते हो, देखिए यहाँ पर मैंने एक वायर कनेक्ट कर दिया है। अब हमारी जो दो वायर ये है, ये हमारी मोटर की थी, तो मोटर के वायर को हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए उससे पहले मैं यहाँ पर एक बैटरी का नेगेटिव लगा रहा हूँ, जो कि साइड साइड में हमारा दिया गया था। तो बैटरी का वायर भी कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है। मैं यहाँ पर एक वाइट कलर की वायर को यूज कर रहा हूँ, जो कि हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव देखने में आपको मतलब सुविधा देगा। तो यहाँ पर भी मैंने इसे भी सोल्डर कर लिया है। अब जो ये वाली वायर है, जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारी दो वायर है, तो इसे लेफ्ट टू राइट में रखना है और राइट टू लेफ्ट में रखना है। तो सेम उसी तरह जैसे कि ये उस साइड से माइनस के साइड में सेकेंड पॉइंट में था, तो इधर हमें पॉजिटिव के सेकेंड पॉइंट में माइनस वाले पॉइंट को लगा देना है। मतलब मान लीजिए इस तरीके से अगर कनेक्शन आप करते हो, तो जैसे ही आप स्विच को बेंड करोगे, मतलब स्विच का कनेक्शन चेंज करोगे, उसी तरह से डायरेक्ट ये ऑटोमेटिकली मोटर को भी, जो मोटर का जो फंक्शन है उसे अपोजिट साइड में ये सेंड कर देगा, मतलब मैसेज कर देगा, जिससे मोटर को ये लगेगा कि मोटर का जो कनेक्शन है वो चेंज हो गया है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से आप जो मोटर का वायर है आप सिंपली यहाँ ऊपर में भी लगा सकते हो, या आप चाहो तो वापस नीचे साइड में भी लगा सकते हो, जहाँ पर मन करे वहीं पर लगा दीजिए, लेकिन बीच वाले दोनों पॉइंट पर ही आपको लगाना है। तो यहाँ पर मैं इसे भी तुरंत से सोल्डर पहले कर लेता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर सोल्डर किया है, आपको भी सेम तरीके से करना है। मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझिए, कोशिश कीजिए इसे पूरी तरह से फॉलो करने की। अगर नहीं बन रहा है तो आप लोग फिर से वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए कनेक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको तुरंत से टेस्ट करके दिखाता हूँ, अलग अलग एंगल से मैं चेक करके दिखाऊंगा, स्लो मोशन में भी आपको मैं कोशिश करूंगा चेक करके मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैटरी का पॉजिटिव वायर तो पहले से कनेक्ट कर दिया है, अगर नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने सिंपली कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। अभी जो मोटर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ये रन कर रही है। तो मैं अब इसमें कुछ चेंजिंग कर लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए जैसे मैं इसे चेंज करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से ये भी इसका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होता है। लेकिन अब मैं आपको इसे स्लो मोशन में चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए स्लो मोशन में मैंने यहाँ पर कर दिया है, अब ये अच्छी तरह से वर्क कर रही है। अब मैं स्लो का चालू करता हूँ, देखिए ये इसका स्लो मोशन, और स्लो मोशन में ये भी राइट साइड में ये चल रहा है। अब मैं यहाँ पर स्विच को फिर से चेंज करता हूँ और ये मैं चला रहा हूँ। यहाँ देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये अब अपोजिट साइड में ये रन कर रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में ये चल रहा है। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से ये काम कर सकते हो, मतलब घर पे ही एक होममेड बना सकते हो इस तरीके से कनेक्शन, आप लोगों को मैं हमेशा समझाता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक तो बनता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है काफ़ी अच्छी तरीके से ये वर्क कर रहा है, मैंने आपको स्लो मोशन में और नॉर्मल मोशन में भी आपको मैंने चेक करके दिखा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करते साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। मिलेगा किसी और न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, तब के लिए जय हिंद।